नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हैदराबाद में जनता कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके कई जगह पर खुले नजर आए। वहीं मीडिया के द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद आबकारी विभाग कमिश्नर की ओर से छापेमारी की गई और ठेकों को बंद करवाया गया। आबकारी विभाग के कमिश्नर वी के शास्त्री का कहना है कि किसी भी ठेके को खुला नहीं रहने दिया जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जनता कर्फ्यू के आदेशों की पालना की जाएगी। वी के शास्त्री ने उनके द्वारा खुद शहर में दौरा करके शराब के ठेकों को बंद करवाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से पूरी निगरानी भी की जा रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जहां कल फतेहाबाद में जनता कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके खुले नजर आए, वहीं विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि ये किसी भी प्रकार की परमिशन में नहीं आते। इसके बाद मीडिया द्वारा सूचना दिए जाने के बाद आबकारी विभाग के कमिश्नर वी के शास्त्री द्वारा मौके पर पहुंच करके दुकानों को बंद करवाया गया। फतेहाबाद शहर के जवाहर चौक, भट्टू रोड और अनाज मंडी के कई इलाकों में शराब के ठेके खुले हुए थे। इसकी जानकारी मीडिया द्वारा आबकारी विभाग को दी गई, तब जाकर के आबकारी विभाग की नींद खुली, जिसके बाद ठेकों को बंद करवाया गया। आबकारी विभाग के कमिश्नर ने शहर में कई इलाकों का दौरा भी किया। शराब ठेकेदारों के करीबियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शराब के ठेके खुले रहेंगे। पूरे फतेहाबाद में शराब के ठेके खुले भी थे। वहीं आबकारी विभाग के कमिश्नर ने बताया कि पीएम के द्वारा आज पूरे शहर में जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई है, इसी को लेकर के वह शहर में निगरानी करेंगे और जो भी शराब के ठेके खुले हैं उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पर्पल की एक खास रिपोर्ट। ऐसा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज जनता कर्फ्यू उद्घोषित किया है, उसकी पालना में फतेहाबाद जिले में भी आबकारी विभाग मुस्तैदी से सभी ठेकों को बंद कराने पर लगा हुआ है। इनको डायरेक्शन पहले भी दे दी थी और मैं पर्सनली भी चेक कर रहा हूँ। तो अब कुछ ठेके खुले मिले थे तो क्या कर रही है इनपे? अभी एक दो ठेकों पर देखा था मैंने तो इनको बंद करा दिया है। तो पूरे शहर में बंद का? हाँ, पूरे शहर में बंद करा दिए। तो आपने रेड करी थी जी? हाँ, मैं इसकी पूरी निगरानी कर रहा हूँ क्योंकि आदेशों की पालना करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है।